खबर मकराना से, जहां निमोद ग्राम में नवरात्रि, दशहरा एवं दीपावली के शुभ अवसर पर बालाजी मंदिर निमोद में राम कथा का आयोजन रखा गया है, जिसके उपलक्ष्य में आज मंदिर पुजारी बजरंग लाल वैष्णव के करकमलों द्वारा पोस्टर विमोचन किया गया। धर्मेंद्र भागरव पूर्व उप सरपंच निमोद ने बताया कि 15 अक्टूबर को सुबह 11 बजे कलश यात्रा बैंड बाजा के साथ रघुनाथ जी के मंदिर से रवाना होगी। भागरव मोहल्ला बस स्टैंड से होते हुए कथास्थल बालाजी के मंदिर पहुंचेगी, जहां रोज 12:15 बजे से 4:15 बजे तक श्री राम कथा होगी। कथावाचक पूज्य श्री विपिन बिहारी शरण महाराज नावा वाले के श्री मुख से कथा का आयोजन होगा। कथावाचक महाराज ने कहा, शाम को हमेशा हनुमान चालीसा का पाठ होगा, प्रतियोगिता होगी जिसमें बच्चों को धार्मिक प्रश्न पूछे जाएंगे, वहीं बताने वालों को गिफ्ट दिया जाएगा। जय श्री राम, जय श्री बालाजी। निमोद ग्राम में नवरात्रि के उपलक्ष्य में, दशहरा के उपलक्ष्य में, दीपावली के उपलक्ष्य में श्री राम कथा का आयोजन रखा गया है। समस्त ग्रामवासियों से निवेदन है, इस राम कथा में ज्यादा से ज्यादा पधारे। 15 तारीख को सुबह 11:15 बजे राम कथा के उपलक्ष्य में भव्य कलश यात्रा का आयोजन रखा गया है। रघुनाथ जी के मंदिर शनि मंदिर के पास से कलश यात्रा निकलेगी 11:15 बजे और 12:15 बजे कथा आयोजन चालू होगा। कथा में सभी पधारे और शाम को हनुमान चालीसा का पाठ और धार्मिक प्रश्नों का उत्तर देने वाले बच्चों को गिफ्ट आइटम दिया जाएगा। आप सभी से निवेदन है, ज्यादा से ज्यादा पधारे। कथावाचक आज निमोद ग्राम में पहुंच चुके हैं और कथा में बैठने की बहुत ही बढ़िया व्यवस्था की गई है। कथा 12:15 बजे चालू होगी, जो शाम को 4:15 बजे तक चलेगी। कथा के बीच में बढ़िया बढ़िया झांकी, कथा के हिसाब से बहुत ही शानदार झांकी, मनमोहक झांकी दिखाई जाएगी।